व्लॉग है मेरा बहुत जबरदस्त होने वाला है। कहाँ जाते माता राम मेला, कहाँ के आओ? देवरी। देवरी की महुआ था। आदिवासी संस्कृति से रिलेटेड हर एक चीज मिलता है। जो मैं भी कलाकार हूँ। मैं बढ़िया दिखूँ ना? एक नंबर। खास करके बैगा जनजाति जो लोग होते हैं बालों में लगाते हैं। हमारी संस्कृति है, इस मेले की जो खास बात है वो वेशभूषा है, पारंपरिक जो वो आप लोग को देखने को मिलेगा। मोबाइल में बोल दे और नाम आ गए। मांदर मृदंग पखावज इत्यादि। कहाँ लगा भी चुंदी मने? तो हमारे साथ है सारी कमर काम वो मैच नमार को। समोसा। मछली के का नाम है माता राम? आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अर्चना मार्को व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज का जो व्लॉग है मेरा बहुत जबरदस्त होने वाला है। और आज हम जा रहे हैं गोंदर मेला, और मैंने मेले के बारे में बहुत सुना है कि वहाँ पे आदिवासी संस्कृति देखने को मिलता है, बैगा जनजाति यानी बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं, तो जो है संस्कृति की जो झलक वहाँ पे देखी जा सकती है। तो वही सब दिखाने के लिए और खुद देखने के लिए मैं खुद जा रही हूँ आज। आप लोगों को बहुत अच्छा आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं वो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों को जो वीडियो को जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिलता रहे। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं गोरखपुर और हमें बस नहीं मिल रही है। आज लगता है मेरा जो सफर है वो सफर करते करते ही चला जाएगा। अब गोरखपुर पहुंच गई हूँ तो गोरखपुर में बस नहीं मिल रही है, और वीडियो में मेरा पूरा फुल बने रहिए आप लोग, देखते रहिए। तो अभी जो है मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सुबह से खाना नहीं खाई, मैं गोरखपुर में आके फुल्की खाऊंगी, इसके बाद जाऊँगी। मैं कितने टाइम आएगी बस? हाँ कितना भीड़ है बस, जब से बैठ गाड़ी में तब से मेरे को सीट ही नहीं मिली। नरोसा से गोरखपुर, न गोरखपुर से गोंदर, न गाड़ा से कुछ भी नहीं मिल रहा है भाई, बहुत भीड़ है। मैं ले जाऊं मैं। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं बोंदर तिराहा, और बोंदर तिराहा से हम लोग पैदल जा रहे हैं बोंदर। मैं तो आज तक नहीं आई हूँ, ये मेरा पहली बार आना हुआ है बोंदर में। हालांकि बोंदर मेले के बारे में मैं बहुत सुनी हूँ, तो आज देखते हैं बोंदर मेला जाकर कि क्या है ऐसा वहाँ पे। और देखो कितना दूर है, कितना रेंगल पर ही मोला, पता नहीं 2 किलोमीटर तो कथैया ले। लेकिन मैं गाड़ी में नहीं जाऊँ, मैं रेंगत रेंगत जाऊँ। इतना धूप लगता पटल पड़ते, फिर भी मैं मोला भूख भी लग गई से। जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग पैदल चलते हुए यहाँ से दिखाई दे रहे हैं, और मेरे पीछे भी आप देख रहे हैं वो देखो इतना भीड़। लेकिन मैं जाऊँ पैदल, कितनी खुशी हो रही है, पहली बार मैं जा रही हूँ अकेले। तो आज का वीडियो जो है आप लोग पूरा देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा होने वाला है मेरे वीडियो में, और पूरे वीडियो में बने रहिए। कहाँ जाते माता राम मेला? कहाँ के आओ? देवरी के महुआ। लेकिन तुम यार डिंडोरी देवरी के हो, मैं परसेल देवरी की हूँ। चलो चलो सब लोग जल्दी जल्दी जा रहे हैं, और टाइम भी बहुत हो गया है। वाह इधर गाड़ी उड़ी चेकिंग हो रही है, और सिक्योरिटी के लिए गाड़ी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, और फिर सिक्योरिटी के लिए पुलिस भी लगी हुई है। हमारे क्षेत्र का पहला मेला है तो कितना ज़्यादा भीड़ है, आगे और बहुत ज़्यादा भीड़ है। चलिए मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं बोंदर मेला में। तो यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा काफ़ी भीड़ है, ये इंदौर जिला का पहला मेला लगा हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मैं आप लोग दिखाऊंगी। और फिर फिलहाल स्टार्टिंग में जो पूरा मिठाई मिठाई का दुकान लगा हुआ है, यहाँ पे जलेबी तल रहे हैं, और यहाँ पे तो स्टार्टिंग में पूरा मिठाई मिठाई की दुकान लगी हुई है।
करी होता है, बहुत स्वादिष्ट होता है। इसको तो मैं पक्का ले जाऊंगी, जो कि मैं बहुत खाती हूँ। गुल्लक भी मस्त है, छोटा छोटा तब करी कहते हैं जिसको। और ये जो है आटे का बना होता है, जो गुड़ के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। आप लोग कहाँ से हैं? देवरी मिड़की साइड के देवरी से जो है दुकान लगाए हुए हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। दोस्तों अब हम आपको दिखाने वाले हैं, आप लोगों को आवाज़ सुनाई देती होगी, उधर मादक की जो ताल है वो सुनाई दे रहा है और झूला लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो गोंदर मेला है वहाँ पे कपड़े लत्ते मिठाई के अलावा जो है आदिवासी संस्कृति से रिलेटेड हर एक चीज मिलता है, जो हमारे आदिवासी परिवेश में जो लोग पहनते हैं मादर टिमकी और बहुत सारी चीजें जो हम आप लोग दिखाएंगे। अभी मादर बजा रहे हैं जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, सुन के दूर तक सुनाई दे रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। जल्दी जल्दी आई हूँ। फोटो लीजिएगा ना, मादर बजाऊंगा, है ना, मैं भी कलाकार हूँ। तो हम आपको बता दें कि जो मादर बजा रहे हैं वो स्वयं मेरे आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं वो खुद हाथों से बनाते हैं और हाथ से बनाकर ही बेचते हैं। और ये पहला मेला है जहाँ पे दुकान लगाया गया है। और इनका कहना है कि मुझे बहुत सारी कला आता है, तो मैं आपको बजा के दिखाता हूँ, बोल रहे हैं। तो देखिए पखावज इत्यादि ढोलक से मिलकर आनाखेड़ा में मिलेंगे। नाम हरि सिंह बघेल के पास इत्यादि सब पंजाब मिलेंगे, इसे फाइस से मिलेंगे, रेट से मिलेंगे, अच्छी मिलेंगे। तो हम उनका एड्रेस बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा आप लोग, वहां से अगर आपको लेना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ले सकते हैं। तो दोस्तों हम इस मेले की जो खास बात है वो आपको बताना चाहेंगे कि इस मेले में हमारा जो वेश भूषा है, पारंपरिक जो है, वो आप लोग देखने को मिलेगा। आप लोग देख ही रहे होंगे कि मेरे साथ कौन है, मुझे भी ऐसे पहनने का मन कर रहा है देख करके। कहाँ से हो आप लोग? बहुत लजाब है भाई। मेले की जो शान होती है वो होता है झूला। बता दो जल्दी जल्दी मत सुना। मेले की जो शान होती है वो है झूला। और आप दिखाएंगे इस टाइम पे जो है मशीन वाला झूला, आप लोगों ने बहुत देखा होगा, पर जब हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो पैर से चलाते थे झूला, तो वो आज भी हमको दिखाई दे रहा है। तो चलिए हम आपको दिखाने के लिए ले चलते हैं उधर साइड, तब तक आप पूरा बने रहिए। और जो लोग झटका छड़ाई ली। झटका में छड़ाई ली। प्रोग्राम होता है तब उसको बांधते हैं जूड़े पे। हाँ ये भी और वो भी। मैं बढ़िया दिखूँ ना? हाँ एक नंबर। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें, जो ये आप देख रहे हैं
इसको बाल में लगाकर बेनी गुथते हैं। और फिर ये जो है खास करके बैगर जनजाति जो लोग होते हैं इसका सबसे ज़्यादा अपने बालों में लगाते हैं, उससे क्या है जो बालों के जो शोभा होता है वो बहुत बढ़ जाता है। हालांकि आजकल के ज़माने में जो है एक्सटेंशन कराते हैं बालों का, पर हमारे बैगर जनजाति जो हमारी संस्कृति है ऐसा नहीं है, वो आज भी अपने पुराने रीति रिवाज अपने रहन सहन परिवेश में जो है पूरा घुल मिला रहता है। और आप देख सकते हैं इसको मैं भी ले लूँ, सियाने लोग बांधते हैं दीदी भाई, ये तो किसान लोग पहनते हैं चोटी में बांधते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे जो आप ये देख रहे हैं ये ऊन का बना होता है जो खासकर बैगा जनजाति लोग अपने बालों को सजाने के लिए इसका यूज करते हैं। देख ले यदि माता रामाई से लैला न माता कहाँ लगा मोरले तो ना नतरी ना है नतरी ना दो दिकार हाँ वो माता रामा ने गुथी से अपन कुंडी माँ बेनी गुथी से चूड़ा गुथी ने नान नान बाल बेटा तो वहाँ हाँ जहर नान नान बाल रहेंगे तो ना डोकरी के दे नहीं ना लपांड लेते ऊनन के ला आप देख रहे होंगे ये अलग अलग ऊन के यानी कि अलग अलग कलर से बना हुआ है जो खासकर बैगा जनजाति लोग तीज त्योहार अपने जो भी है त्योहारों में अपने बालों को सजाने के लिए यूज करते हैं और जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है अलग अलग ऊनों के कलरों से बना हुआ गुच्छा जो कि अभी बहुत सारे लोग लेने आ रहे हैं। कितना अच्छा लग सके बाल में लगा हुआ कितना सुंदर लग रहा है। यानी कि दीदी मेहंदी लगवा रही है तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कैसे लगवाती हैं। फिलहाल आपको हम दिखाते हैं टैटू कैसे बनवा रहे हैं। अच्छे से लिख देना बाबू, लोकल काम नहीं करना चाहता हमारा। तो दीदी मेला में मेहंदी लगवा रही है। ये राशिश तो नहीं है, पसीसे है तो हाथ करी बनने लगा बे भाई, नंग दे रहना चाहिए गाढ़ा हाथ पसीसे तो ना नहीं बढ़िया हाथ या देख हाथ पसीसे तो ना हाँ जिंदगी का कसम मार रहा में। आप लोग बहुत इस तरीके से मेहंदी बनवाए होंगे, आप लोग कमेंट करके बताना क्या आप लोग इस तरह का यूज करके मेहंदी अपने हाथों में लगवाए हैं या नहीं। दोस्तों हम आपको बता दें कि बोंदर मेला में जो है हमेशा कार्यक्रम होता है और फिर कर्मा ददरिया सैला वगैरह होता है। तो चलिए स्टार्ट हो चुका है तो हम आप लोग दिखाते हैं, डांस स्टार्ट हो गया है तो चलिए हम आप लोग डांस दिखाते हैं। स्वागत में डांस कर रहे हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। खाने के लिए ढूंढ रही हूँ
काहिन ए भाई बताए जब मोर बैग ना खुद टूट गई से रोजी आई तार ल बांध के लानी में बताए जते वाह देखो कितना अच्छा लग रहा है पर्स और मोर बैग तो टूट गई से। यह धार पूरा कपड़ा कपड़ा की दुकान है और आप लोग देखें कितने अच्छे अच्छे यानी कि दूर दूर से जो बैगा जनजाति है पहन ओढ़ कर अपने परिवेश में आते हैं। हमारे साथ युग भैया भी है, सारी कमर काम है और पता नहीं केन केन है कहाँ कहाँ भुलाए जाते हैं भाई हिन। तो हमारे साथ है सारी कमर काम और मैच न मार को आप लोग तो पता ही है मार को मर काम एक के होता है उठे काम भी एक को होता है ना। हाँ तो इतने सारे लोग हम लोग मिले हैं यहाँ पे मेला में। हाँ और बहुत सुग्घर सुग्घर यहाँ बैगा जनजाति जो लोग हैं वहाँ पे यहाँ पे आए हुए हैं पहन ओढ़ करके, तो और लोगों से परिचित कराएंगे हम बैगा जनजाति लोगों से जो अपने परिवेश में आए हैं पहन ओढ़ करके। और आप लोग वीडियो में पूरा फुल बने रहिए, अपन लड़का में पूरा धर धर के आई ने बाग पाए पाए के अब कथी धर जाई। हमें अभी बहुत भूख लग चुकी है और हम आ चुके हैं इधर खाने के लिए। हमारे साथ है युग तारिका और वो भैया पता नहीं क्या क्या खाएंगे आप लोग। भैया क्या खाएंगे आप? समोसा चाय लखाऊ कथे देखो ना। ये मछली के काई नाम है माताराम? काई नाम है सुखसी इंसाब का इंसाब। तो आप देखिए यहाँ भी पूरी सूखी हुई मछली है और मछली का नाम है सुखसी। कितना अच्छा लग रहा है। एक दाम धर दे तो कहानी खत्म हो जाएगी।
तो दोस्तों भीड़ जो है अभी भी लगातार बढ़ती ही जा रही है। शाम के 4:30 बज चुके हैं और अभी जो है हमें बहुत जल्द घर के लिए निकलना है क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। शाम होने से पहले मुझे पहुँचना है। जाते जाते मैं फिर आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि ये आप देख सकते हैं में सभी चीज़ों की दुकान लगी होती है और भीड़ की बात की जाए तो लगातार बढ़ती ही जा रही है। और जो आसपास के जो गांव के लोग हैं वो अभी आ रहे हैं, हालांकि हम दूर से हैं तो हमें निकलना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का हमारा व्लॉग यहीं तक, और वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। कहाँ जाते हो माताराम से? सुनिए दादा तो मैं आई थी ठक्कर बाबा जयंती के अवसर पर, गोंदर में मेला लगता है तो, और ये मेला जो है 3 दिन लगता है। आज तो पहला हो गया, 2 दिन और लगने वाला है। तो अगर आप लोग भी आ सकते हैं तो ज़रूर आए देखिए। और बस आज का हमारा वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ। तो आप सभी को जय सेवा जय जोहार।